सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपका इंट्रो और युग्रो कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या है। बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत परिचय ये है कि मैं युग्रो का फाउंडर, वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ और पिछले 30-35 सालों से मैंने बाहर जाके फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया। 2018 में हमने युग्रो की स्थापना की। ये हिंदुस्तान का पहला लिस्टेड स्टार्टअप है। पिछले 4 साल में हमने करीब 3,000 करोड़ के आसपास की पूंजी जुटाई है, इक्विटी कैपिटल जिसको बोलते हैं, और करीब 50 से 60 बैंकों के साथ हम काम करते हैं और 10,000 करोड़ का लोन हम दे चुके हैं छोटे बिजनेसेस को और 1,50,000 से ज़्यादा एमएसएमई कस्टमर को हम सपोर्ट कर चुके हैं। अब हम यूपी में एंटर कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि यूपी आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बन रहा है और यहाँ पे जो व्यापार, जो प्रगति है, 90 लाख से ज़्यादा एमएसएमई यहाँ हैं, 14% ऑफ टोटल एमएसएमई हिंदुस्तान के यूपी में बिलोंग करते हैं, तो इनका जो प्रसार हो रहा है और उसमें जो इनकी क्रेडिट की जो नीड है उसको बहुत अच्छे से हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। जैसे कि आपने लोन की बात कही तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो छोटे उद्यमी होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो इजली अभी पढ़े लिखे तो होते नहीं है ज़्यादा, तो उन्हें इजली लोन कैसे प्रोवाइड हो सकता है, उन्हें एक कम प्रोसेस में क्या चीज़ें मिल सकती है, आप इसमें बताएं। देखिए, छोटा व्यापार करने में पढ़ाई का कोई ऐसा, सब लोग वैसे कुछ एजुकेटेड होते हैं, लेकिन व्यापार में ना, व्यापार करने में चाहिए व्यापार करने की आपकी मंशा, क्षमता और आप क्या व्यापार कर रहे हैं। और उसके लिए अगर आपका व्यापार, जिसको हम बोलते हैं कच्चा छोड़ो पक्का पकड़ो, अगर आपका व्यापार थोड़ा पक्के में है, अगर आप यू नो जीएसटी पे रिटर्न आपका टाइमली जा रहा है, अगर आपका सेल्स और परचेज टर्नओवर बैंक के सिस्टम के थ्रू हो रहा है, अगर आपका ब्यूरो का रिकॉर्ड ठीक है, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आ सकते हैं, एक सिंगल ओटीपी पे हमारे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, हमारी मशीन ही प्रोसेस करके बता देती है कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है और आपकी नीड सर्विस हो जाती है। किसी भी तरह की नीड हो, चाहे आपको 30 दिन का लोन चाहिए, चाहे आप अपनी कोई इन्वॉइस डिस्काउंट कराना चाहते हैं, चाहे आप मशीनरी खरीदना चाहते हैं, रूफ टॉप सोलर लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करके आप दुकान बढ़ाना चाहते हैं, ये सब कर पाते हैं। तो इसमें व्यापारी को ये कॉन्फिडेंस मिलना कि उसके व्यापार के लिए उसको ऋण मिल सकता है, सबसे बड़ी बात है। उसमें उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो इस कंपनी से यूपी के जो बेरोजगार है, युवा है, उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, तो बहुत बड़ी बात आपने कही। हमारे देश में एमएसएमई से करीब 11 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। जब भी हम एक छोटे व्यापार को 10 लाख से 1 करोड़ का लोन देते हैं, हमारा ये हमारी एनालिसिस है कि हर 1 करोड़ के लोन पे 25 नए लोगों को रोज़गार मिलता है। क्योंकि आप ऐसे सोचिएगा, अगर एक छोटी बेकरी चल रही है और उसको हमने 20 लाख का लोन दे दिया और उसने एक बेकरी से एक और बेकरी बना दी, तो 5-7 नए लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, राइट? तो एमएसएमई बढ़ेगा तो देश में रोज़गार बढ़ेगा। हमारे देश में रोज़गार सबसे ज़्यादा एमएसएमई से ही आता है, इसीलिए भारत सरकार, इस बजट में भी आपने देखा होगा कि उसका बहुत बड़ा फोकस एमएसएमई है, क्योंकि रोज़गार की समस्या, बेरोजगार की समस्या, नए युवा की जो समस्या है, वो एमएसएमई से ही सॉल्व हो सकती है और क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।